वो आज ना हमें रजाइयों में मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ये खा रही क्या है? इस हंस से नहीं राइट, हंस हंस के बुरा हाल। और मेरी भाभी ने सी देखा ऐ मशुरा बाजी दा होना। कि अगर आप फोक से काटना चाहें तो ये देखें इतना जबरदस्त है ना। अच्छा जब कटिंग सोनी होए ना, सोना सोना मेरे भैन भरावों ने कट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक हूँ मैं भी, हूँ ठीक ठाक शुक्र अल्लाह की ज़ात का। और आज बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, सियालकोट का मौसम बहुत ही फोगी टाइप का है। तो हमें तो आज नाश्ता जो उनसे ना अल्लाह ज़िंदगी दे भाभी को, वो हम लोगों को आज ना हमें रज़ाइयों में मिल रहा है। और मुझे समझ ही नहीं आ रही, परी दिखाना अपना नाश्ता। एग खा गई हो? हैं, हमें नाश्ता मिला है बॉयल्ड एग, दो टोस्ट और चाय। मुझे समझ नहीं आ रही इसको इसके ऊपर आके खाना है कि इसको इसके ऊपर आके खाना है, क्या करना है। तो बड़ा मज़े का नाश्ता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये खा रही क्या है? इस हैंड से नहीं, राइट वाले हैंड से। अस्सलाम वालेकुम, इधर तो देखो ना मेरा गोलगप्पा। उठ गए हो? रात को ख्वाब आए? इधर बहू आया था ख्वाब में, उसको दिन में भी तो आता है। बहू को तुमने भेज दिया था घर? चलो अच्छी बात है। हाई तो आप तो नहीं ना खाची हो रही? माशाल्लाह स्कूल से छुट्टियां होके तो ब्रेड खाई जा रही है। ये जिप आगे से बांध करें, हैं जवानी को जरा पैक करें। और तुम भी सॉक्स वगैरह पहनो, ठीक हो गया? चलो शाबाश, बाहर बड़ी सर्दी है। इधर इधर कैमरा करें, इधर किधर? आप भी सॉक्स पहन के आए, स्वेटर पहन के आए? ना मैंने सॉक्स पहनी है, तो हम जिम्मेदार नहीं। मेरे निक्के निक्के पाँव हैं। ओ मैं तो वाकई मैंने सॉक्स नहीं पहनी, मैंने कहा मुझे तो सर्दी लग रही है, मेरे पाँव का हाल देखो। ना मैंने सॉक्स पहनी है और ना मैं स्वेटर जान वाले। बाहर है जी बहुत ज़्यादा बारिश, और घर वालों को मैं कह रही हूँ कि अपना आप कवर करके रखें। और घर वालों ने मुझे कहा है कि तुम अपना आप कवर करो। बंदा की करे है, हमारे घर बर्नल है लेकिन गैस नहीं है, तुम्हारी कार है, इसलिए हम सिलेंडर को यूज़ करते हैं, ठीक है ना? क्या करे बंदा, सिलेंडर भी महंगा हो। ठंडा ठंडा पानी पीने का ना सर्दियों में मुझे बड़ा मज़ा आता, फिर बाद में पसलियों में पीर होती है। शुक्र अल्लाह का, पता नहीं क्यों ठंडा ठंडा पानी पीने का इतना मज़ा आता है, त्यौहार बड़ी सर्दी है। देखे हमारी तो गाड़ी भी दो दो कपड़े पहन के बैठी है, मुझे बड़ी हंसी आती है। सर्दियाँ जो चारी उन्होंने भी दो दो कवर चला देते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, डन 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 डन, बारिश बारिश। मैं बाहर अंदर जाके ये नहीं कह सकती कि बाहर बारिश है, वरना हमारे बच्चों ने ना पुरक पुरक के बाहर आ जाना है। तो मैं अपने बाग दिखाऊँ आपको। अच्छा मुझे ये इतना ये पसंद है ना, मैं स्पेशली ये ना नींबू का, पिछले व्लॉग में भी आपको मैंने बताया, मैं आते जाते सुबह बच्चों को नहीं देखती, मैं अपने आगे ना लीमू चेक करती हूँ कि किसी ने उतार तो नहीं लिए। तो मेरी बेटी कह रही थी मामा आप ना लीमू लेके आए, कीमू लीमू लेके आए, मैं इधर ना सुई धागे से परो दूँ। अच्छा माशाल्लाह ये देखे हैं न्यू आ गया ना ये, माशाल्लाह के माशाल्लाह। मैं तो आज इसका सदका उतारूंगी क्योंकि मैंने इसकी वीडियो बना दी है, तो पहले तो मैं बना नहीं थी रही, तो अब मैं इसका 10 रुपये सदका उतारूंगी। बारिश में ना बड़ा मज़ा आता है। अच्छा मज़े की आपको बात बताऊं, कल मेरी भाभी की थी बर्थडे, आज मैं कार दिया तो गला सुनावगी ठीक है। और मेरा भाई कहता इसको मैं क्या गिफ्ट दूँ, तो मैंने कहा इस तरह की गिफ्ट दे कि जल्दी ना कार आना रही थी, पर मैंने लंबा लेक्चर 15 मिनट का दिया ना, वापसी पे मेरा भाई जब छुट्टी करके घर आया ना तो ये उठा लाया। तो मेरी भाभी को आके कहता जी हैप्पी बर्थडे, घर की चीज़ भी बन गई तो बुढ़ी भी खुश हो गई है। हंस हंस के बुरा हाल। और मेरी भाभी ने सी देखा ऐ मशुरा बाजी दा होना। तो सही बात है, यकीन माने घर की चीज़ भी बन गई, बीवी भी खुश हो गई। बाहर बारिश में बाहर अगर आपने घूमना है ना तो आसान काम, ये वाइपर लें और वाइपर में ना वाइपर को ना मारना शुरू कर दे, घर वाले नहीं रोकेंगे। कहना कि मैं ना वो जो कचरा है ना वो मैं कर रही हूँ, फिर धोना नहीं पड़ेगा ठीक है। इस बहाने से आप बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज आपके घर वालों ने आपको थ्रू थ्रू के ना तो अंदर बैठाना है।
अच्छा जी, ये मैं खिला रही हूँ अमरूद। मौसम ठंडा ठंडा हो ना तो बारिश में जो अमरूद है ना वो अच्छी तरह नहाई धोई कर लेते हैं। ये देखे हैं कितने सोने सोने अमरूद ने, अच्छी तरह उसको नुहा धोआ के फिर घर आके भी आपने नहाई धोई करानी है इसकी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने का तरीका मैं आपको बताऊँगी, आपने मेरे तरीके से कटिंग करनी है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अमरूद को पकड़ना है और इसका ये मुंह वाट देना है, ठीक है। फिर आपने प्लेट लेनी है, ठीक है। आज मैं मुख्तलिफ किस्म के ना अमरूद की कटिंग सिखाऊंगी। आपने इसके गोल गोल ऐसे पुआ पुआ के ना स्लाइस काटने है। हाई नहीं बहुत जोर चाहिए, खून की बोतल लगानी चाहिए पहला। इतने डाढ़े बीज है ना, तो आप बीजों को काट भी सकते हैं, मैं तो वैसे खा लेती हूँ। ये एक तरीका हो गया कि डिग पड़े थे तुम। अब दूसरा तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। दूसरा तरीका आपने अमरूद देना है, ठीक है। हूँ मैं अमरूद सहाँधी सहाँधी भाई सारे अमरूद खा जा है ऐसे, ये देखो ठीक हो गया।